बालाकोट में, और कलरफुल जो चेयर्स हैं, प्यारा व्यू है ये। पीछे आप देखें आबशार बहती हुई, जबरदस्त होटल है यहाँ पर। क्या हम जाती पेश कर रही है, आप देखें लुक बने हैं, डिलक्स रूम बने हैं सारे, तो ठंड भी बढ़ती चली आ रही है मतलब। जी हाँ, तो अब होगा हमारा कराची एक्सप्लोर, और इस वक्त हम मौजूद हैं बालाकोट में, और हमारा इरादा था इस कर्दू जाने का, लगा मेरा मजाक, लेकिन लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो रास्ते बंद हो चुके, तो हमने अच्छा थोड़ा शेड्यूल थोड़ा चेंज कर लिया, और हम थोड़ा सा और घूम लेते हैं कहीं और, इस कर्दू नहीं जा सकते, तो हम लोग आ चुके हैं सब बालाकोट, और अब जाएंगे हम शुक्रान, और आगे आगे जैसे जाएंगे वो आपको बताते रहेंगे, और मैं आपको यहाँ के होटल का रिव्यू भी दूंगी, बहुत ही जबरदस्त होटल है यहाँ पर। मनोज लग लो, मत करो, रहन लो, रहन बहुत पामीर कॉन्टिनेंटल होटल रेस्टोरेंट, बहुत ही जबरदस्त है, आपको मैं उसका व्यू देती हूँ कि हमें कौन सा रूम दिया इन्होंने, और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाती हूँ कि ये होटल जिस जगह बना हुआ है उससे खूबसूरती बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है, यहाँ पे आके आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से आपको बर्फ की भी जो देखे आप पहाड़ियाँ, मेरा कैमरा मैन दिखाए कि बर्फ की पहाड़ियां भी आपको यहाँ से नजर आ रही हैं, फिर आपको सादे पहाड़ नजर आएंगे, फिर ग्रीनरी नजर आएगी, उसके बाद बहता हुआ खूबसूरत झरना आपको जो नजर आएगा, तो आपकी सुबह जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो कहना चाहिए एनर्जी से भरी हुई होगी। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। हुंजा से 16 घंटे का बाय रोड सफर करके हम यहाँ पहुंचे। जी हाँ व्यूअर्स, जिस होटल में हम इस वक्त रुके हुए हैं उसका रूम मैं आपको दिखाती हूँ। जी हाँ, ये है डिलक्स रूम, और ये डबल बेड रूम की सबसे खासियत ये है कि इसका व्यू बहुत खूबसूरत है, तो ये देखिए इस रूम का, और नीचे जो झरना बह रहा है जिसकी आवाज बहुत ही प्यारी लग रही है इस वक्त। जहाँ ये है इसका वॉशरूम, और जो साफ सुथरा है बहुत अच्छा है, कमोड भी लगा हुआ है, फ्लैश भी है। जहाँ व्यूअर्स, तो जैसे रूम के साथ बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है, अगर आप ये देखेंगे बाहर की व्यू की क्या कंडीशन है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, झरना बहुत खूबसूरत बह रहा है यहाँ से, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इतने बादल ही बादल है, और पहाड़ और ग्रीनरी इतनी खूबसूरत लग रही है, पानी की आवाजें जो है ना वाकई दिल को बहुत सुकून देती हैं। और आए मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और बाहर का व्यू कुछ यूं है ऐसा। अभी आप आए यहाँ पर क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं बालाकोट में, और बालाकोट में अगर इस वक्त हम जा रहे हैं किवाई वाटरफॉल, और उसके बाद हम जाएंगे शुग्रान। एहे, रहा नहीं जाता। और अगर आप देखिए मेरा कैमरामैन दिखा है, तो इस वक्त बालाकोट का जो नजारे हैं और जो मंजर और मौसम है ना बहुत ही खूबसूरत है, बादल ही बादल है पूरे बालाकोट में, इस वक्त बादलों का राज हुआ है। अभी मजा आएगा ना, कितना खूबसूरत आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बादल ही बादल। जी हाँ व्यूअर्स, हम आ चुके हैं किवाई वाटरफॉल पर, और अब अंदर चलते हैं ताकि वहां जाके यहाँ का व्यू देखें कि कैसा व्यू है। और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ऐसी जगह पे आकर बड़ा मजा आता है। जी हाँ, तो ये है किवाई वाटरफॉल जहाँ हम आ चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कलरफुल जो चेयर्स हैं, और वो कितनी खूबसूरत मनाजिर दे रही है, और देखिये आबशार वहां से बह रही है, बहुत ही खूबसूरत दिलकश नजारा लग रहा है, वो भी बहुत ही प्यारा है, और बच्चे बड़े सब एंजॉय कर सकते हैं इसमें बैठ के। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं तो यहाँ एंजॉय कर ही रही हूँ, लेकिन यहाँ बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, फुल ग्रीन है यहाँ पर, ऑटम का कुछ कुछ झलक यहाँ नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर ये ग्रीन है, कलरफुल चेयर्स हो, और ये माहौल बहुत ही खूबसूरत। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ठंड भी बढ़ती चली आ रही है, मतलब वहां से यहाँ का दर्जा में कुछ 19-20 का फर्क है, और हम आगे जा रहे हैं, कोशिश हमारी यही है कि हम वहां तक जाएं जहां से ये वाटरफॉल हमें साफ क्लियर नजर आ सके। जैसे कि आपने देखा कि कितना खूबसूरत कुदरती आबशार है ये, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन इसको मेंटेन किया भी बहुत जबरदस्त है, अगर इसको मेंटेन ना किया जाए तो इसकी कंडीशन ये ना हो, तो इसलिए मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है इस कुदरती आबशार को, क्योंकि इस तरह पॉइंट्स अगर हम वेस्ट कर देंगे तो ये एक खूबसूरत पॉइंट है जो लोगों की तफरी का बहुत अच्छा मरकज है। तो हमने ले लिया है वाटरफॉल का बहुत ही जबरदस्त मजा, और अब हम जा रहे हैं जीप में बैठ के शुग्रान।